एनर्जी कंजर्वेशन। चलो ये कहता है टू सिमिलर स्प्रिंग पी एंड क्यू हैविंग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के एंड पी, दो स्प्रिंग है दोनों सिमिलर है, ठीक है, एक स्प्रिंग है और ये भी एक स्प्रिंग है, दो वो दोनों स्प्रिंग सिमिलर है, एक का नाम पी है एक का नाम क्यू है, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के पी है इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के क्यू है, ठीक है, दे आर स्ट्रेस द सेम अमाउंट, ठीक है, दे आर स्ट्रेस बाय द सेम अमाउंट, मतलब इसमें इनको इलोंगेशन सेम है, इसमें दो केस है, केस ए कहता है केस ए में हमने सेम इलोंगेशन जनरेट किया और केस बी में हमने सेम फोर्स लगाया, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग हमें कंपेयर करना है, समझ रहे हो ना, दो केस है, एक बार मैंने इन दोनों में सेम इलोंगेशन किया एक बार सेम फोर्स लगाया, तो दोनों में वर्क डन में कंपैरिजन करना है, तो चलो एक एक केस पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, केस फर्स्ट है सेम इलोंगेशन वाला, ठीक है, केस फर्स्ट है वो सेम इलोंगेशन, ठीक है, चलो अगर इलोंगेशन सेम है तो वो देखते हैं, तो स्प्रिंग का वर्क डन आप सबको पढ़ के आए होगे, स्प्रिंग का वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर है, अगर देखो वर्क डन, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट तो सबका अलग अलग है, दोनों का अलग अलग है, ठीक है, और इनमें कंडीशन भी दिया हुआ कि कौन ज़्यादा बड़ा है, के पी, जो कि पी वाला स्ट्रिंग है ये स्प्रिंग है उसका के पी इज़ ग्रेटर देन के क्यू, और अगर इलोंगेशन सेम हुआ तो वर्क डन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यह है कि वर्क डन पहले केस में पी में ग्रेटर होगा वर्क डन क्यू में, ठीक है, जितना स्ट्रांग स्प्रिंग होगी तगड़ी होगी स्ट्रांग, के जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रांग स्प्रिंग होगी, तो उसमें वर्क डन हमें ज़्यादा करना पड़ेगा सेम इलोंगेशन के लिए, ठीक है ना, फिजिकल मतलब के पी इज़ ग्रेटर देन के क्यू, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा वाला पार्ट हमें करने की ज़रूरत, एक अभी सही नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन सही है, अगर दूसरा करना भी चाहते हो तो चलो कर ही लेते हैं, अगर मैं सेम फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, चलो अब देखो सेम फोर्स केस टू पार्ट है सेम फोर्स, अगर मैं इसको सेम फोर्स लगाता हूं तो चलो सेम फोर्स लगाते हैं, तो अगर मैं इसको सेम फोर्स लगाता हूं तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है के एक्स, अगर फोर्स सेम है तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी फोर्स अपॉन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k, ठीक है, अब वर्क डन लिखो, तो अब जब वर्क डन लिखोगे तो वर्क डन क्या होगा हाफ के एक्स का स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर मतलब हाफ k और x का स्क्वायर मतलब फोर्स का स्क्वायर अपॉन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन 2k, दैट इज द वर्क डन, ठीक है, अब यहाँ से मैं कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है दोनों के लिए और टू और के में कंपैरिजन कर सकता है, इसका मतलब इस बार स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होगा उसका वर्क डन कम होगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट पी का ज़्यादा है इसका वर्क डन कम है, मतलब दूसरे केस में वर्क डन ऑफ पी इज लेस देन वर्क डन ऑफ क्यू, जो कि ए ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, है ना, बराबर है, चलो वर्क डन इन क्यू इज ग्रेटर देन, मतलब ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट